आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेकअप लुक है वो ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप लुक। आई होप आपको भी अच्छा लगे बहुत। ये जो मेकअप लुक है मैंने मैट आई मेकअप लुक रखा है, मैट ही लिपस्टिक रखी है और मैट ही मैंने आई मेकअप रखा है। तो मैट लुक है, बहुत आसानी से ये लुक क्रिएट किया है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी घर में बैठ के बहुत आसानी से मेकअप सीख सकते हैं। आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्लर में तो आपको जो उन्होंने कर देना है मेकअप, एक प्रैक्टिस है, तो वो उस तरह ही वो आपका मेकअप लगा देती हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट ये चीज़ है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है वो आपको अपने मेकअप खुद अचीव करने से पता चलता है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आप खुद मेकअप करने की कोशिश करें ताकि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। आप घर में बैठ के ही बहुत अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप ये लुक सीखना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखना है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र तो मस्ट अप्लाई कर लेना है। समर हो विंटर हो, आपने सबसे पहले मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ म्यूसन की फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। बिल्कुल भी पैची नहीं होती और आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत अच्छे से आपके जो स्किन है ना उस पर कोई पैचेज़ वगैरह नहीं पड़ते। ये ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है और ये ऑयली स्किन गर्ल्स भी ये यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करती, नॉर्मल स्किन मतलब ये हर स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। म्यूसन की फाउंडेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर। मिस रोज़ का कंसीलर आपने आइज़ पर आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। आपने कंसीलर भी ऐसे ही अंडर आइज़ पर अप्लाई कर लेना है। एक वी की शेप में आप आइज़ को कंसीलर को लगाएंगे आइज़ पर ताकि आपकी जो आइज़ हैं वो लिफ्टेड लगे, आपका फेस भी लिफ्टेड लगता है। ऐसे कंसीलर जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपकी जो फेस कट है ना वो बहुत अच्छा लिफ्टेड लगता है, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि मैंने कंसीलर ऐसे अप्लाई किया है और आपका जो मेकअप है वो उस शेप भी उसकी ऐसी ही आएगी, एंड रिजल्ट भी इसको आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद मैं ग्लैमरस का फेस पाउडर ले रहे हैं। ये फेस पाउडर ले रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त फेस पाउडर है। आपकी स्किन के अंदर कोई ऑयल नहीं आता जब ये आप अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और इसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर फेस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो ग्लैमरस फेस का पाउडर बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ये ज़रूर बाय करें और इसको टेस्ट करेंगे ना, आपको चेक करेंगे, इसको रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिलेगा। अच्छा, मैं टी जोन पर आप देख सकते हैं मैं टी जोन पर अप्लाई कर रही हूँ। ये समर मेकअप है तो आप अपने फेस पर आपने पाउडर ज़रूर अप्लाई कर लेना है समर मेकअप में, तो ताकि आपको स्वेटिंग ना हो। अच्छा, मैं पहले आईब्रो को ब्रश कर लूँगी ताकि आपको शेप अच्छे से पता चल जाए। जहाँ जहाँ आपने प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कोई भी आप लगा रहे हैं प्रोडक्ट, पेंसिल या पाउडर, जब आप शेप कर लेते हैं ना तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, पाउडर या पेंसिल कहाँ अप्लाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक नीचे लाइन ड्रा की और जस्ट एक ऊपर लाइन ड्रा की, बस आप मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आपने जो अंदर जहाँ आपके बाल कम हो वहाँ आप इसको फिलअप कर लें, आपकी आईब्रो रेडी है। मतलब देख सकते हैं कि एक नीचे लाइन ड्रा की और हाफ आईज से ऊपर मैंने आईब्रो से लाइन ड्रॉ की और इसको ब्रश कर लिया, स्पूली की हेल्प से इसको कॉम कर लिया और आपकी आईब्रो डन। मतलब ये देखिए, आप दूसरी आईज पर देख सकते हैं एक नीचे लाइन ड्रॉ की और एक ऊपर लाइन ड्रॉ की हाफ आईज से। अब इसको जब मैं ब्लेंड करूँगी ना, जितना आपने आईज को लिफ्ट दिखाना है ना और लिफ्टेड दिखाना है तो आप इसको लाइन को ऊपर की तरफ ड्रॉ करें और इसको ब्लेंड कर लें। आप देख सकते हैं कैसे एकदम ही आईज मेरी बिल्कुल लिफ्टेड हो गई हैं आईब्रो। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने आईब्रो जिन गर्ल्स को पसंद है ना तो वो इस तरह अपनी आईब्रो को शेप कर सकती हैं। अब मैं कलर जो लगाया है वो इसको ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइंस नज़र ना आए, तो आपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। यहाँ मैं काशिस का मैट एंड मैजिक पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ये ऑरेंज कलर देख सकते हैं, ऑरेंज कलर को मैं अपनी क्रीज लाइन पर और आउटर वी पर ब्लेंड कर दूंगी। मैं सिर्फ यहाँ एक शेड ही ले रही हूँ और इसको बिल्डअप करूँगी। अगेन मैं शेड लूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर और आउटर वी की तरफ, देख सकते हैं मैं ब्रश को ब्लेंड कर रही हूँ, कलर को अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग ज़रूरी है, ब्लेंडिंग से आपका मेकअप बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आपने कलर अप्लाई कर लेना है और ब्लेंड कर लेना है अच्छे से ब्लेंड। जब आपको कोई लाइंस ना नज़र आए तो समझें आपका कलर ब्लेंड हो गया। अच्छा, अब मैं येलो कलर इसी पैलेट से ले रही हूँ। येलो ये बिल्कुल मैट आई मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समर में अगर आप ये डे मेकअप में करते हैं, नाइट मेकअप में करते हैं, तो आपका ये मेकअप दोनों टाइम में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, मैं तो इसकी जो पिगमेंट है ना ज़्यादा लगाने से ही आती है, तो अब मैं अपनी आईलिड पर येलो कलर लगा रही हूँ और इसको फिंगर से इसीलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसकी जो पिगमेंट है अच्छे से आए।
यहाँ एसेंस का मैं लिक्विड लाइनर ले रही हूँ। लिक्विड लाइनर को अपने लैश लाइन के साथ साथ लगा कर मैं एक विंग क्रिएट करूँगी। आगे की तरफ लाइनर को लेके जा रही हूँ और एक विंग क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखें, आप आगे की तरफ इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को मिला दें, आपका जो विंग है वो अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। विंग आईलाइनर के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है, बाकी आपको कोई मुश्किल नहीं होती। जब आपको एक बार तरीका पता चल जाता है अपनी आईज़ के हिसाब से, हर एक की आईज़ डिफरेंट होती है, तो आप अपनी आईज़ पर जब अपने आप लगाएंगे ना तभी आपको अच्छे से आएगा, अदरवाइज़ आप इस तरह नहीं इसको सीख सकते। अच्छा, मैं वही जो हमने क्रीज लाइन पर कलर लगाया था ऑरेंज कलर, मैं उसी तरह अपनी लोअर लैश लाइन पर इस कलर को ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। अच्छा, नीचे आइज पर जब आप कलर लगाते हैं ना तो आपकी जो आइज़ है मुकम्मल लगती है, मतलब आपका फेस जो मेकअप है ना वो मुकम्मल लगता है। अच्छा, मैं अब बॉब का मस्कारा ले रही हूँ। बॉब का मस्कारा बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है और बहुत एंड रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा दे देता है। जैसे आपकी लैशेज़ भी आपको अगर ना लगाएं ना तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं फील होती फेक लैशेज़ की। आप देख सकते हैं कि मैं नीचे लैशेज़ पर भी अच्छे से मस्कारा लगा रही हूँ। आप इस तरह आइज़ बहुत ज़्यादा खुली और बड़ी बड़ी लगती हैं। मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी इनर पर येलो कलर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हैं, मैं इनर साइड पर कोई हाइलाइटर नहीं, मैं येलो कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ मिस रोज़ की न्यूड पेंसिल या न्यूड काजल है ये, तो वो लगा रही हूँ वाटर लाइन पर। ये मिस रोज़ का न्यूड काजल पेंसिल है, तो वो लगा रही हूँ मैं अपनी वाटर लाइन पर। यहाँ मैं स्वीट टच की लैश ग्लू ले रही हूँ और यहाँ मैं लैशेस ले रही हूँ। आप देख लें कि कौन सी, आई थिंक मैक्स फैक्टर 3D लैशेस हैं ये। आप लैशेस ने तो एकदम ही ना गेम चेंज कर देती है, मतलब आपकी आईज़ को बिल्कुल ज़्यादा, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप लैशेस लगा लो तो आपकी आईज़ मुकम्मल लगती हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ APK का ब्लश एंड पैलेट, उसमें से मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर लूँगी। आपको ये दो मिक्स कलर लगा रहे हैं मैंने, ये देखिए आप देख सकते हैं कि अगर हम ब्लश को लगाएंगे ना ऊपर की तरफ ब्रश रखेंगे तो आपका फेस जो है ना बिल्कुल राउंड नहीं लगता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लिफ्टेड लगता है। मैं यहाँ ब्लशन के तौर पर दो कलर मिक्स करके ब्राउन और थोड़ा सा पिंक कलर को मिक्स करके लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं ले रही मैं। तो बहुत ज़्यादा जो ब्राउन कलर ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्श लगता है, तो कोशिश किया करें ब्राउन के अंदर थोड़ा सा लाइट कलर को मिक्स करके लगाया करें ताकि आपका जो कलर है ना बहुत अच्छा है ब्लशन का। अभी मैं थोड़ा सा पिंक कलर लूँगी, ब्लश लगाऊँगी चीक्स पर। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन चीक्स से जब आप चीक्स पर लगाते हैं तो आपका फेस थोड़ा सा राउंड लगता है। नोज़ पर तो आपको अच्छा लगता है तो आप नोज़ पर भी लगा सकते हैं, मुझे भी पसंद है नोज़ पर ब्लशर लगाना तो मैं भी लगाती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ सोफिया आर्शले, आई थिंक इस पेंसिल जो है ना ब्रांड उसका नाम है ये। इसका जो रेड कलर है ना मैंने अपनी फुल लिप्स पर वही अप्लाई कर लिया है, तो लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत है। रेड कलर का मैंने लिप पेंसिल ही लगाई है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर है इसका। मैं आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, इसका नंबर मुझे नहीं अभी नज़र आ रहा था। तो लिपस्टिक का कलर, उसके अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए लिपस्टिक कलर कितना प्यारा है। अब यहाँ वेट एंड वाइल्ड का मैं प्रीशियस पेटल हाइलाइटर ले रही हूँ, ये मैंने अभी बाय किया था। तो मैं ये इसका जो कलर है ना, मैंने जो ये हाइलाइटर देखे, मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइडल के लगे हुए देखा है, मतलब इतने ज़्यादा मैंने मेकअप आर्टिस्ट को ये यूज़ करते देखा है ना, मुझे ये इसका कलर बहुत प्यारा है, ना ये गोल्डन है ना ये सिल्वर है, बहुत प्यारा कलर है। अच्छा, मैं यहाँ चेक कर रही थी कि कौन से एयरिंग मेरे ज़्यादा सूट करे हैं। मुझे यहाँ रेड कलर के एयरिंग थे और उस पर मैंने कहा ये पहन के देख लेती हूँ कि कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। मुझे ये रेड ज़्यादा अच्छे लगे, दोनों मैंने पहन के देख लिया था कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन रेड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने रेड ही पहन लेती हूँ। तो मेकअप जो हो गया हमारा कम्प्लीट, अब मैं एयरिंग पहन लूँगी तो फिर आपको अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत इजी स्टेप्स के साथ अब मैंने मेकअप किया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस लाइनर का थोड़ा सा ये कि लाइनर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत इजी स्टेप्स के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसमें नहीं है।
मतलब आपके पास जो भी पैलेट अवेलेबल है, आई शेडो मेकअप, तो आप उसके साथ, आपको बस तरीका आना चाहिए कि बाकी आप अगर आपके पास कोई भी मेकअप है आप उससे बहुत अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपका, आपको मेकअप लुक अच्छा लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको चैनल में, अगर आप नए हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती इसके बाद मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेकअप लुक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।